song. जैसे गाने को गान. हाँ गाने को गान. और भाई जान कैसे हैं आप? उनके जनरल नॉलेज के बंगाली के अलावा उनके जनरल नॉलेज भी ज्यादा. अच्छा उनका नेशनल फ्लावर कौन सा जरा बताना. वाटर लिली. मेरे साथ है इकरा अमरीन. तो आप इनका रिएक्शन देखते होंगे कौन से चैनल पर? रियल रिएक्शन जी. और आज ही पीके रिएक्शन बंगला पर इनको इनवाइट किया है. तो आज इनको हम दिखाएंगे ढाका ढाका और उसके साथ कुछ थोड़ा सा फन भी हम करेंगे. और इनसे कुछ मैं बंगला वर्ड बोलूंगा और इनसे पूछूंगा कि इनको उनका मतलब भी आता है कि नहीं आता. तो चलें पूछते हैं इनसे. पहले वीडियो देख लें या पहले कैसे? पहले वीडियो देख लेते हैं, वीडियो के बाद इनसे कुछ बंगला के मैं वर्ड बोलूंगा और देखते हैं कि इनको पता है कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, मतलब समझ पाती है अंडरस्टैंड कर पाती है कि नहीं. पहले हम ढाका का एक लेटेस्ट वीडियो किसी भाई ने भेजा है तो पहले वो देख लेते हैं. तो चले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब कर जल्दी से. तो चलो शुरू करो. अच्छा ढाका पहले आप लोगों ने देखा? ओके ढाका को जब भी देखी नहीं कि नहीं ऐसे ही है. जब से वीडियो में देखोगे कुछ ना कुछ नया नजर आएगा. इस बिल्डिंग के बैल्कनी पे जाके तो आप भाई इस बिल्डिंग के ऊपर इन दोनों को ले जाके और बीच में यही हो सकता है और तो कुछ नहीं. वो देखती है हेलीपैड. अच्छा आपको ना इधर बिल्कुल टेरेस के ऊपर ना ग्रीनरी नजर आएगी. लोगों ने ना बगीचे बनाए हुए ये चीज नोट करना जरा. ये काफी दोस्तों ने मुझे कमेंट्स में बताया था कि आप ढाका के अगर रूफ्स देखेंगे ना टेरेस के ऊपर ग्रीनरी मतलब ऐसे जैसे फील्ड नहीं होते खेत वगैरह छोटे छोटे बनाए गार्डन टाइप बनाए हुए हैं लोगों ने. पर अभी तो आपका स्टार्ट है आप बांग्लादेश को देखेंगे तो बहुत ही ग्रीन है. आप सिटी में देख लो सिटी के अंदर कितनी ग्रीन रही है. माहौल को साफ सुथरा रखने में बहुत अहम मतलब इसका जो रोल है बहुत जबरदस्त है. वो हमारे एक पॉलिटिशियन है ना वो कहते हैं बारिश आता है तो पानी आता है तो वैसे ही ग्रीनरी होती है तो ऑक्सीजन मिलती है ना. अच्छा आपको ये स्काईस्क्रैपर्स जो है बांग्लादेश के दूसरे चिटागोंग जो दूसरे सिटीज हैं राजशाही हो गया सिलट हो गया वहां पर भी नजर आएंगे. अपने मोस्टली जो है लाहौर और कराची में मिलते हैं ऐसे स्काईस्क्रैपर्स. बाकी सिटीज में बहुत कम है. तो बांग्लादेश के जम्मू का भी सिटी देखोगे ना वहां पर आपको मिलेंगे. उसकी रीजन ये है कि वहां पर पॉपुलेशन बहुत है एरिया कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है. क्या जबरदस्त ये ड्रोन. जब भी मैं ढाका के ड्रोन यूज देखता हूँ तो मुझे कराची याद आ जाता है. बिल्कुल सिमिलर टू कराची है. वाओ नाइट व्यू कोई भी सिटी है ना उसके और स्टैंडिंग ही आते हैं बहुत दिलकश होते हैं यार. नाइट व्यू तो हमें और देख लेने देते. चले खत्म हो गए वीडियो. ओके गाइस तो ये था वीडियो जिसमें हमने देखा है ढाका के ड्रोन व्यूज.
तो पहले दोनों मैडमों से पूछ लेते हैं कि इनको कैसा लगा। मुझे तो बहुत जबरदस्त लगा, मुझे तो लगा पहले भी देखा लेकिन इस मतलब देख के लग रहा था कि फर्स्ट टाइम मैं देख। वुड यू लाइक टू विजिट ढाका? यस। तो गाइस जल्दी से यार कोई भेजे हमें ऑफर चौकर, तो हम कुछ विजिट करने आए आपको। एक दोस्त ने लिखा था मेरे ख्याल में, मैंने कमेंट पे जो पढ़ा था कि मतलब वो इनवाइट करना चाहते हैं, तो हम जरूर आएंगे यार वेरी सून। और चलें अब कुछ आपसे सवाल पूछते हैं बांग्लादेश के बारे में। आप पिछले तकरीबन 10-15 दिन से मुसलसल जो है वीडियोस देख रही हैं बांग्लादेश के, तो थोड़े से तो इनको इन जनरल नॉलेज होना चाहिए बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है पता है आपको? शेख हसीना। रियली? यस। व्हाट? यस। ओके अच्छा, तो चलें आपसे ये पूछ लेते हैं कि बांग्लादेश का अभी जो इंडिपेंडेंस डे ये जो गोल्डन जुबली इन्होंने मनाई है वो किस डेट को मनाई थी? 16 मार्च। फंस गई मेरे पापा, फंस गई। नहीं नहीं 26 मार्च। 26। चले चले ऐसे करता हूँ कुछ बंगला में बोलता हूँ, आपने गैस करना है कि मैंने क्या बोला है। आगामी काल का क्या मतलब है? बंगला का एक वर्ड है आगामी काल। आगामी काल दोबारा काल करता हूँ। आप गैस तुक्का लगा दो यही कि दोबारा काल करता हूँ, ये फिर काल करेंगे। देखें चले बता देते हैं इनको, आगामी काल का मतलब होता है कल, मींस आने वाला कल, टुमारो जिसको बोला जाता है वो होता है आगामी काल। हम तो सिंपल सा बोलते हैं कल। हाँ अच्छा आगामी काल। अच्छा एक और वर्ड है भेतुरे आशुम, इतने मुश्किल मुश्किल तो ना। अच्छा इसमें मुश्किल क्या है? भेतुरे आशुम अभी तो हमने बस इतना सा सीखा है, शुस्ता था कौन बालो था कौन। चलो चलो इधर पूछ लेता हूँ, भेतुरे आशिम का मतलब होता है अंदर आइए, तशरीफ रखिए मतलब आइए। आगामी काल तो नहीं भूलेगा। हाँ और ये भी नहीं भूलेगा। चले चले एक इसी और पूछ लेता हूँ, गोतु काल। भाई जाइए भाई जाइए। अभी इससे पहले गाइस मैंने आगामी काल पूछा है, अब मैं पूछ रहा हूँ गोतु काल। आगामी काल कर और गोतु काल पर तो आज गोतु काल भी होता है कल जो गुजर गया, यस्टरडे। हाँ जो गुजर गया उसको बोलते हैं गोतु काल, और आगामी काल जो आने वाला कल होता है मतलब टुमारो। अब याद रहेगा बिल्कुल। चले कुछ और भी हो जाए, चले कुछ और आपसे इजी पूछ लेते हैं। तो इजी ये है कि क्या मन आचे अच्छा ये तो मेरे आपने आप वीडियो में भी बोल दिया क्या मन आचे। अच्छा एक बार बंधुरा दोस्तों, फ्रेंड्स बंधुरा बंधु एक दोस्त। हाँ एक बंदे के लिए बंधु, वन पर्सन के लिए बंधु बोल रहे हैं वैसे। अच्छा एक वो वर्ड यूज करते हैं बाड़ी, बाड़ी किसको बोलते हैं? बाड़ी 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 होता है घर, घर को बोलते हैं बाड़ी, हाउस। हाँ हाउस, जैसे गाने को गान। हाँ गाने को गान। और भाई जान कैसे हैं आप? उनके जनरल नॉलेज के बंगाली के अलावा उनके जनरल नॉलेज में ज्यादा। अच्छा उनका नेशनल फ्लावर कौन सा जरा बताना? वाटर लिली। इनको हम देंगे कुछ वर्ड ठीक है, उसमें ये होगा कि आपसे 10 जो है मैं सवाल करूंगा बंगला में, आपने उसको बताना है मुझे कि इनका मीनिंग क्या होते हैं। या फिर एक ये सेगमेंट रख लेते हैं और एक कुछ इस तरह से करते हैं कि आपको ना मतलब जो सिमिलर वर्ड हैं बंगला और उर्दू पंजाबी के जो सिमिलर वर्ड हैं उनके ऊपर रख लेते हैं, मतलब कि कोई प्रोग्राम करते हैं सारा ताकि पता चल जाए कि क्या होता है, वो कौन से वर्ड हैं जो बंगला और उर्दू में सेम ही प्रोनाउंस होते हैं। तो गाइस कैसा लगा वीडियो आपको, आप लोगों ने एंजॉय किया? एक रिएक्शन पर आएंगे तो एंजॉय तो करेंगे गाइस, बताएं जरा दोनों को।
तो गाइस थैंक यू पहले तो गेस्ट का दोनों का कि आई है मेरे चैनल पर, और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है कि रियल रिएक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इनके चैनल का, वहां पर जाकर देखें ये क्या गुल खिला रहे हैं, तो वहां जाकर देखिएगा। और मेरे चैनल पर आने के लिए आप दोनों का कोने कोने का धन्यवाद, इसका मतलब पता है बहुत शुक्रिया। हाँ यार जबरदस्त, मींस बंगला आप लोग ठीक रही है, वेरी गुड। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। एंड में क्या बोल दियो? सुस्त था कुन बालों का।